जिवें बाणी कहती है ना, निथावे कौ गुर दीनो था न निमाने कौ गुर कीनो। मान निमाणिया नू माण बख्श देना, जिन्हां दे पले कुछ नहीं है, जेडे डुब रहे ने विकारां विच, जेडे लताड़े जा रहे ने मजलूम, उन्हां दीना ते दया करके उन्हां दा माण बहाल कर देना, ये गुरु की अजमत है, ये गुरु की ताकत है। बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बाणी रसना चाखे। जेडे गुरु की शरण आउंदे ने उन्हां दे विकारां दे बंधन कटदा है, प्रतख लोहे दियां बेड़ियां भी कट दिंदा है। जिवें सनातन मत दियां बेड़ियां कटियां नजात दवाई, नहीं ते हिंदूइज्म दा खुरा खोज मिट जांदा दुनिया तो, जे गुरु तेग बहादुर साहिब नजात ना दवाउंदे ते। ऐसा उन्हां दा सुभा है। ये जेड़े बचन कहे ना गुरु हरगोबिंद साहिब ने, इसे तरह ही हुंदा है। औरंगजेब ने 1774 बिक्रमी दे विच ऐलान कर दिता सी, दारुल हर्ब तो दारुल इस्लाम दे विच भारत वर्ष नूं अपेद कर देना है। दारुल हर्ब की है? जिथे इस्लाम दा राज होवे, पर तुहाडा जेड़ा भी धर्म है तुसीं अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदू हो गायत्री पढ़ो, मंदरां दे टल खड़काओ कर सकते हो, सिख हो आसा दी वार लाओ, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी सेवा करो, बाणी पढ़ो। मुसलमान इस्लाम नूं फॉलो करन वाले, उन्हां दा ते भारत वर्ष विच राज ही सी मुगलां दे रूप विच, ओह ते अपने धर्म दी मनौत मान नहीं सकदे ने। दारुल इस्लाम कहिंदे ने जिथे राज इस्लाम दा होवे, इस्लाम नूं मनण वाले अपने धर्म दी प्रैक्टिस कर सकदे ने, पर दूसरे धर्म वाले अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दारुल हर्ब नूं दारुल इस्लाम विच अपेद करना है, औरंगजेब ने यह ऐलान कर दिता भी कोई मंदिर कोई गुरुद्वारा कुछ नहीं रहन देना, केवल मस्जिद रहेगी, वांग दिती जाएगी, कलमा पढ़न वाला बचेगा, दूजा कोई नहीं रहेगा, यह ऐलान हुंदा है। हुण तुसीं सियाणे हो भी सनातन मत की आबादी बड़ी सी, सवा सवा मण रोज दे जंजू लेंदे सन, गिणती फिर भी बड़ी। औरंगजेब ने सोचिया है ते उमरां लंघ जाणियां इन्हां नूं मुसलमान कर दिया। व्योंत घड़ी गई भी जेड़ा सनातन मत दे अंदर कोई प्रमाणित आगू है ना, उसनू दीने इस्लाम विच ले आवां ते उहदे पिछे जिन्नी भी उहदी फॉलोइंग है, जिन्ने भी उहदे मुरीद ने, जदों आगू मुसलमान हो गया तो वह आप ही जंजू ला के इस्लाम नूं कबूल कर लैणगे। तुसीं इस गल वल ध्यान दिओ, जदों भी किसी नवे धर्म का आगाज होया है ना, महापुरश सतपुरश धर्म के रहबर राजियां नूं अपना फॉलोअर बनाउंदे सन, क्योंकि राजे दे पिछे प्रजा सारी उसे धर्म विच आ जांदी सी। जिहड़े प्रचारक हुंदे ने संप्रदावां दे अंदर महापुरश हुंदे ने, उन्हां दी फॉलोइंग बड़ी हुंदी है, आगूआं दी फॉलोइंग हुंदी है, बड़े उन्हां दे मरीद हुंदे ने। एक आगू नूं अपने धर्म च लै आओ, सारे मरीद नाल आ जाणगे, ते कल्ले कल्ले मरीद नूं लिआउणा है ते बड़ा लम्मा समां चाहीदा है। हुण दारुल हर्ब तों दारुल इस्लाम विच अपेद करन दे लई औरंगजेब ने ऐलान कीता। वो देखदा है भी जिहड़े कश्मीर दे पंडित ने इन्हां नूं सनातन मत सारा फॉलो करदा, क्योंकि वड्डे विद्वान ने, इन्हां दे लखां मुरीद ने, लखां फॉलोवर ने। उन्हें हुक्म कीता है इफ्तखार खान नूं, ही वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, शेर अफगान खान, इन्हूं खिताब मिलिया होया सी। कहिंदा भी इह जिहड़े आगू ने ना, इन्हां नूं इस्लाम विच लियाओ।
तीन तरीके वरते गए, प्रेम नाल समझाया, मन जान ठीक है लालच दियो, जे लालच नाल भी नहीं मानते तो डर दियो, डर तीन तरीके वरतो, तो जे तीन तरीकों नाल भी नहीं मानते तो इन्हों का गलुआ कट के सुट दियो। हुण मुश्किल खड़ी हो गई, कश्मीर दे गवर्नर दा तरला लिया है सनातन मत दा, उस समय पंडतां विच आगू सी कृपा राम दाता, तरला लैके कहिंदा कुछ समां दे दिओ अपने मुरशद नूं ते आ लईए, कोई रस्ता मिल गया ते ठीक है, ना मिलिया ते कलमा पढ़ लवांगे। जान सब नूं प्यारी सी, कहिंदे इह दीन दुनिया दे मालक गुरु तेग बहादुर साहब वल नूं जांदे ने। उहदा एक कारण यह भी बनता है भी जदों इन्हां कुछ समा लैके अमरनाथ मंदिर जाना कीता, शिवजी महाराज नूं ध्यावणा कीता भी साडी रख्या करो, कहिंदे एक आवाज प्रगट हुंदी है भी गुरु नानक दे घर नालों वड्डा कोई नहीं है, तुहाडे डुबदे हुए सनातन मत नूं मोढ़ा देण वाला उही है। इस गल का ख्याल रखियो, हर धर्म के महापुरशां का अदब है। भट साहबान गुरु ग्रंथ साहब विच कहिंदे ने, गावै गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जाण्यो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माण्यो। पर सारे महापुरश रह पर जिस खुदा नूं ध्यांदे ने उही गुरु नानक है, सब ओहदे गीत गाउंदे ने, सब ते वड समरथ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। शिवजी महाराज ने समझा दिता भी गुरां नालों वड्डा कोई नहीं है, कोई रखण वाला नहीं है, गुरु इज ऑल पावरफुल, ही इज डिवाइन, ओहदे नाल दा कोई दूजा नहीं है, जाओ ओहदी शरण चले जाओ। बाणी दा फुरमान है ना, जा का किया सब किश होए, तिसका अमर ना मेटा कोई, गुरु जो करदा है ओही होवेगा, ओहदे अमर नूं ओहदे बचन नूं मिटाया नहीं जा सकता, नो वन कैन इरेज हिज इटरनल डिक्री। कहिंदे ओहदे बचन नूं कोई मिटाउण वाला पैदा नहीं होया, गुरु एडा वड्डा है, पार ब्रह्म परमेसर अनूप, सफल मूर्त गुर तिसका रूप, गुरु पातशाह, गुरु तेग बहादुर साहब अकाल पुरख का स्वरूप ने। खैर गुरु नानक दे घर वाल नूं कृपा रामदत्त दौड़िया है, संगी साथी ब्राह्मण पंडित लैके गुरां दी शरण विच आनंदां दी पुरी पहुंचदा है। हुण उत्थे वचन करदा है, राखो अब हिंदन की टेक, नाहिन जग में रहे ना एक, धर्म भ्रष्ट जब सगरे होए, पूज है सुर आदक नह जोए। आए महाराज, साडा धर्म भ्रष्ट हो चलिया है, सब तो पुराना मत जो सनातन मत है डुब चलिया है, इहदा खुरा खोज मिट जाएगा, बापू कृपा कर, हिंदुआं दी टेक तू है ते मेरे गुरु दा की सुभा है। गुरु हरगोबिंद साहब ने बचपन विच ही चौवां वरिया की उम्र विच गुरु तेग बहादुर साहब दे इस बचपने विच ही बयान कर दिता सी भी इह शरण आया नूं रखण वाला है। महाराज कहिंदे तुहाडी रख्या करांगा मैं। अखीर औरंगजेब दे नाल ये वादा हुंदा है, कसमां खादियां जांदियां ने भी अगर साडे मुरशद गुरु तेग बहादुर साहब आए, औरंगजेब तैनूं सजदा कर देण, सिर छड देण, दीन त्याग के कलमा पढ़ लैण, ते तैनूं कला कला जंजू लाउण दी कोई लोड़ नहीं है, गुरु साडा कलमा पढ़ लवे असी सारे जंजू ला के पिछे चल पवांगे। ते जे गुरु ना ना चुकिया ते कसम उठा कुरान दी
तू सनातन मत नूं चुकावेंगा नहीं, जंजू नहीं लावेंगा, वादे कीते गए। खैर कई बार पैमा शिकन हुंदे ने, लोग वादा तोड़ दिंदे ने, पर वादे कीते गए। गुरु डोले नहीं, चांदनी चौंक शहादत हुंदी है, महाराज शहीदी दिंदे ने। 1732 बिक्रमी संमत अपने निर्गुण स्वरूप विच अभेद हुंदे ने। हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो, द गुरु ग्लैडली एक्सेप्टेड द लॉर्ड्स विल, खुदा का हुक्म मन के महाराज शहादत की अवधि माण जाते ने। आप इस ठीकरे नू इंसानियत दे लई भन के अपने निर्गुण स्वरूप विच अभेद हो गए, ते दूसरे पक्ष विच इस गल का ख्याल रखियो, सनातन मत नू नजात दवा दित्ती, सतगुर दाता मुक्त करायो, दा इह सुभा है। इस कुरबानी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू एक लफ्ज़ वरतना पिया, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन, बचित्र नाटक ऑटोबायोग्राफी। उहदे विच पातशाह साफ लिखदे ने, अगर दुनिया का सब तो पुराना सनातन धर्म हिंदू मत मौजूद है ते ओ गुरु तेग बहादुर साहब दे रहमो करम करके है। तिलक जंजू राखा प्रभताका, कीनो बड़ो कलू महसाका, साधन हेत इति जिन करी सीस दिया, पर सीना उचरी धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभ पुर किया पयान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू। अगे थोड़ियां कुर्बानियां ने, हुसैन शहादत की अवधि माणदा है। इत्थे सरमद वर्गे शहीद हुंदे ने, बड़े बड़े महापुरशां ने सच लई सिर दिता है, दीन लई सिर दिता है, ते दीन लई गुरु तेग बहादुर साहब ने सिर दिता है। ते ये क्यों कहना पै गया भी तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन, बे एदा दी कुर्बानी किसी ने नहीं कीती। एदा एक कारण है, मैं कई बार विचार करता हुन्ना है भी ये विलाखण शहादत इस लई है क्योंकि मनुखी अधिकारां दे लई महाराज ने सिर दिता है। अपने दीन लई सिर देण वालियां दी गिणती बड़ी मिल जाती है, पर गैरां दे लई सिर देना, दूसरे धर्म दे चिन्हां नूं बचाउण दी खातर सिर देना, ये तो यूएनओ नूं चाहीदा है। ग्लोबल लैवल दे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब दा प्रकाश दिहाड़ा ते शहीदी पुरब मनाउण, मनुखी अधिकार दिवस दी तौर ते ये दुनिया विच प्रफुल्लत होना चाहीदे ने। ये जिहड़े दिहाड़े ने बड़े रहबर होए, अपने धर्म दे चिन्हां लई सिर दे सकदे ने, गैरां दे चिन्हां लई सिर देना ये गुरु तेग बहादुर साहब दे हिस्से आया है। तुसीं इत्थे कई बार ये भी कह दिंदे हो जी ये तुसीं जंजू दी रखिया लई क्यों कह दिंदे हो, सिर दिता है इंसानियत लई सिर दिता भी कह दिया करो। देखो इंसानियत दे विच जंजू भी आवेगा, पंज ककार दे धारनी भी आउणगे, इत्थे गायत्री पढ़न वाला भी आउणा है, ते बांग देण वाला सुल्ला भी आउणा है। गुरु जगत गुरु है, उस दिन कृपा रामदत्त सनातन मत समेत चरणा विच आया, बापू ने रख लिया। जे कोई कलमा पढ़न वाला आउंदा ते उन्नू भी रख दे, कोई नितनेमी आउंदा ते उसनू भी रख दे, क्योंकि गुरु दा बिरद है जो सरणे आवै तिस कंठ लावै, उहदा सुभा है। ओ जगत गुरु है, इसे करके ही सिख जगत दे विद्वाना उन्नू हिंद दी चादर नहीं किया, समुची कायनात दी चादर क्या है। कवि सेनापत नूं पढ़िओ, खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां चो सिरमौर कवि है। उहदे जिहड़े पाक बोल ने ना श्री गुरु सोभा दे विच, उह महापुरशे बोल कहिंदा है, प्रगट भए गुर तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर। सृष्टि की पत रखण वाले ने, सृष्टि के सारे ही धर्म आते हैं,
इंसानियत विच सारे ही धर्म आउंदे ने, इंसान राह इंसानियत लाजमस्त ऊद गर्भू नादारद है समस्त। इंसान कौन है जिहदे च इंसानियत है, ते गुरु नालों वध के पाठ कौन इंसानियत दा पढ़ा सकदा है जो शरण आया दुखियां नूं रखदा है। महाराज पातशाह दे दर ते हिंदू आए उन्हें रखिया है, मुसलमान आउंदे ओह रखदा, ओह कोई खेतरी चादर नहीं है, एक धर्म की चादर नहीं है। जंजू दा राखा ताकिया क्योंकि उस दिन इंसानियत चों जिहड़ा अंश आया सी डुब रहा सी ओह सनातन मत सी, गुरु चादर बन गया, गुरु ने सनातन मत की पत ढक ली। ये बोल गुरु हरगोबिंद साहब दे सन पिछेन गोई कीती सी, भविखबाणी कीती सी, ऐ बीबी नानकी अज तेरे लखते जिगर ने किसे नंगे दे तन नूं कजण लई ए तन दा लिबास वारिया ए, कल नूं दीन नूं कजण दे लई ए तन दा जिहड़ा चादरा है ओह वी इन्हां नूं पहना के दीन दी इज्जत आबरू ढक लवेगा, आपा वार दवेगा, शहादत दी अवधि माण लवेगा। ऐसा ही हुंदा है, गुरु महाराज दे बोल सच हुंदे ने क्योंकि चौहां जुगां विच मौजूद ने, जानदे ने गा की होना है। तू सतगुर चाहो जुगी आपे परमेश्वर, थ्रू आउट द फोर एजिज, थ्रू आउट ऑल द जुगाज, हर जुग दे विच गुरु मौजूद है, हर जुग बाबत तो जानदा है। खैर उह सृष्टि दी चादर ने पातशाह सनातन मत नूं महाराज ने रखना कीता, ते बाणी कहिंदी है गुरु तो बिना कोई सज्जन ना बनाई, कृपा रामदत्त तो कदे पुछ के देखी कि ते आ जावे ना तेरे सामे, ते पुछी भी सज्जन बड़े सन, देवी देवते बड़े त्याए सन, किसे ने बाह नहीं फड़ी, ये गुरु ही अखीर तुहाडी रखिया कर पाया है। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे भी बोल ने, ते कृपा रामदत्त वर्गे दुखियारियां दे हिरदे चों भी यही बोल निकलने ने, मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेसर कोई ना ही। सज्जन बरे होणगे पर गुरु परमेसर तो बिना कोई रखिया करन वाला नहीं है। देयर इज नो वन विदाउट द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड, विदाउट गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर कहिंदे गुरु की सेवा मुक्त परायण अन दिन कीर्तन कीना है, जेड़ा गुरु दी सेवा करदा है निजात पाउंदा है, लिबरेशन पाउंदा है, एमेंसिपेशन पाउंदा है, मुक्ति पाउंदा है, चाहे विकारां दे बंधन ने, चाहे प्रतख पैरां दियां बेड़ियां ने, कोई भी बंधन होवे गुरु ही कट्टण दे जोग है, गुरु दी शरण आया ही गल बनदी है। ऐसे महाराज ने बचपन विच ही उन्हां बाबत ते बोल गुरु हरगोबिंद साहिब ने कह दित्ते।